जल जमीन जलवायु जंगल जानवर जीवन जनता सबको एक सूत्र में बांधना पड़ेगा। अगर पौधे और पशु स्वस्थ है तो मनुष्य भी स्वस्थ होगा। इस भाव को अगर जाना तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाना। हम सबके हित परस्पर जुड़े हुए हैं और इसलिए भारत में कहा प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो से अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम हमारी 15 एडवांस डिसीज डायग्नोस्टिक किट विकसित कर रहे हैं। 5 साल में माननीय सभापति महोदय हम 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बागवानी क्लस्टर बनाएंगे। आधुनिक पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का भूतपूर्व निवेश हम कर रहे हैं। किसानों के लिए मंडी तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए 1500 अतिरिक्त मंडियों का एकीकरण किया जाएगा। मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर रहा हूं माननीय सभापति जी। हम 6,800 करोड़ रुपए की पर्याप्त निवेश के माध्यम से तिलहन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं ताकि तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। माननीय सभापति जी, कीटनाशक अधिनियम में भी हम महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रहे हैं ताकि उच्च गुणवत्ता का कीटनाशक किसान को मिल सके। 50,000 गांवों को जलवायु अनुकूल गांव के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 1,30,00,000 हेक्टर को कवर करने की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी योजना है। माननीय सभापति जी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि समय की सीमा होती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो हर सांस किसानों के लिए चलती है, खेती के लिए चलती है। दिन और रात खेती के बारे में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सोचते हैं, इसलिए विस्तार से फिर कभी चर्चा का अवसर मिलेगा तो मैं फिर करूंगा। केवल एक निवेदन के साथ आपके माध्यम से मैं सभी राजनीतिक दलों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को वोट बैंक ना समझें, किसान को इंसान मान के व्यवहार करें। राज्य सरकारों का सहयोग जरूरी है क्योंकि बिना राज्य सरकारों के सहयोग के केंद्र काम नहीं कर सकता। जल जमीन जलवायु जंगल जानवर जीवन जनता सबको एक सूत्र में बांधना पड़ेगा। अगर पौधे और पशु स्वस्थ है तो मनुष्य भी स्वस्थ होगा। इस भाव को अगर जाना तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाना। हम सबके हित परस्पर जुड़े हुए हैं और इसलिए भारत में कहा प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो से अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम हमारी 15 एडवांस डिसीज डायग्नोस्टिक किट विकसित कर रहे हैं। 5 साल में माननीय सभापति महोदय हम 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बागवानी क्लस्टर बनाएंगे। आधुनिक पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का भूतपूर्व निवेश हम कर रहे हैं। किसानों के लिए मंडी तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए 1500 अतिरिक्त मंडियों का एकीकरण किया जाएगा। मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर रहा हूं माननीय सभापति जी। हम 6,800 करोड़ रुपए की पर्याप्त निवेश के माध्यम से तिलहन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं ताकि तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। माननीय सभापति जी, कीटनाशक अधिनियम में भी हम महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रहे हैं ताकि उच्च गुणवत्ता का कीटनाशक किसान को मिल सके। 50,000 गांवों को जलवायु अनुकूल गांव के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 1,30,00,000 हेक्टर को कवर करने की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी योजना है। माननीय सभापति जी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि समय की सीमा होती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो हर सांस किसानों के लिए चलती है, खेती के लिए चलती है। दिन और रात खेती के बारे में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सोचते हैं, इसलिए विस्तार से फिर कभी चर्चा का अवसर मिलेगा तो मैं फिर करूंगा। केवल एक निवेदन के साथ आपके माध्यम से मैं सभी राजनीतिक दलों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को वोट बैंक ना समझें, किसान को इंसान मान के व्यवहार करें। राज्य सरकारों का सहयोग जरूरी है क्योंकि बिना राज्य सरकारों के सहयोग के केंद्र काम नहीं कर सकता। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।